गाइस, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वेडनेसडे का आपको मार्केट रहने वाला है वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से जो आप ट्रेड कर सकते हो और कैसा जो है आपको मार्केट देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर अभी तक आप मार्केट देखोगे तो मार्केट में अभी तक जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो कल का मार्केट रहा था, स्टार्टिंग तो है एक बहुत बड़ा गैप अप के साथ हुआ था, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। निफ्टी में थोड़ा सा कम था, लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो 450 पॉइंट से ऊपर का जो है वो गैप अप था। उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट जो है वो फॉल करना निफ्टी में शुरू किया, फिर से जो है अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश किया, फिर से मार्केट जो है फॉल्ट किया। और उसके बाद से देखोगे तो क्या क्या, मार्केट जितना है ज़्यादा फॉल किया था वो सब कुछ जो है वो पुल बैक कर लिया। यानी कि मार्केट जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास जो है मार्केट आ गया। तब ऐसे मार्केट में आप देखोगे तो क्या कहोगे, ऐसे मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या कि इस तरह के सीनरी में देखोगे तो कहेगा कि मार्केट जो है वो क्या हो रहा है कि फॉल कर रहा है। लेकिन ऐसे सीनरी में देखोगे तो क्या है, एक कप जो है वो बना रहा है, अगला मार्केट हो सकता है एक कप हैंडल बना के ऊपर जाए। तो ये सीनरी जो है अभी के लिए बन सकता है, जिसको हम लोग बड़े चार्ट में अभी देखेंगे किस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन एक बार जब हम लोग अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो है वो सेम मार्केट चला है। मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा गैप अप के साथ ओपन हुआ था और उसके बाद से मार्केट जो है क्या किया, शुरुआत में तो है अपने आप को होल्ड कर रहा था, उसके बाद से फॉल किया और फिर जो है एक बीच में बहुत बड़ा जो है वो आपको होल्डिंग नज़र आया कि बहुत जो है यहाँ पे मार्केट चौपी हो गया। उसके बाद से मार्केट जो है थोड़ा सा फॉल किया था और फिर एक देखो कि हैमर बना के जो है मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाना शुरू किया और मार्केट उसी लेवल पे आके क्लोज हुआ जहाँ पे जो है इन्होंने ओपन किया था। अब बात करते हैं कि आगे का मार्केट जो है कैसे हो सकता है, किस सिनेरियो में जो आपको ट्रेड करना है। और आज है गुरु नानक जयंती, तो आप सभी को जो है गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बात करते हैं किस तरह से मार्केट जो है वो ये यहाँ पे ओपन हो सकता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट में और देखते हैं मार्केट जो है वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है अभी के वीकली चार्ट पे। दोनों में निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, तो उसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो अभी इस में देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में एक ही दिन हुआ है, मंडे का हुआ है। अब ट्यूसडे जो है मार्केट क्लोज है, कमोडिटी वाला मार्केट जो है वो ओपन रहेगा, जिसको ट्रेड करना होगा शाम में कर लेना। और यहाँ पे देखोगे तो अभी क्या है कि मार्केट में जो देखो कि अभी इस में क्या बना रहा है यहाँ पे कि एक ही दिन मार्केट ओपन हुआ है और उसमें भी एक डोजी टाइप का जो है कैंडल बनाया है। और ये वीकली चार्ट है तो अभी भी जो है वो आज आपको देखोगे थर्सडे जो है वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन जो है वो बाकी है। तो ये 3 दिन में जो है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डोजी बनाएगा। और जिस तरह से अभी वीकली चार्ट चल रहा है, आप देखोगे कि ये वाला जो है वो लेवल के आसपास है, उसके अलावा ये वाला लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सा लेवल जो है वो निफ्टी में आएगा। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर सकता है अभी की स्थिति में, आप देखोगे तो देखो क्या है, यहाँ से एक हैमर बना था, इस हैमर के बाद जो है मार्केट क्या कर रहा है कि ये जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इस लेवल के आसपास जब मार्केट आया है तो दो सिनेरियो बनता है कि इस लेवल के आसपास मार्केट सर्वाइव करेगा या फिर इसके ऊपर जाएगा। यानी कि ऊपर किस तरीके से जाएगा, तो ऊपर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है अब यहाँ पे क्या कर सकता है कि ये वाला कैंडल जो है कुछ इस तरीके का जो है कैंडल बन जाए, इसकी यहाँ पे सर्वाइव करने की, या फिर इसके नीचे जो है लटक के कुछ इस तरीके से जो है कैंडल बन जाए और फिर अगला कैंडल जो है वो इस तरह से बने अगले वीक में। ये सिनेरियो जो है यहाँ पे बन रहा है वीकली चार्ट में, किस में, तो निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम यही बात करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी में देखोगे जो लास्ट वीक था बैंक निफ्टी का, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। देखो यहाँ पे जो लास्ट वीक था, आप देखोगे क्या था लास्ट वीक में, लास्ट वीक में जो है बैंक निफ्टी में एक तरीके से आप देखोगे तो एक जो है वो डोजी कैंडल बनाया था। और यहाँ पे जो है ये सिनेरियो यही बनता है कि जिस तरह का अभी कैंडल था वैसे सिनेरियो में जो है आगे क्या बन सकता है। तो आगे अभी जिस तरह का मार्केट बन रहा है तो अभी के लिए देखोगे तो ये वाला जो सिनेरियो है, यहाँ पे जो मार्केट है इसी सिनेरियो के आसपास खड़ा है, तो आगे हो सकता है जो ये वाला कैंडल बन रहा है वो वाला कैंडल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे इसको क्रॉस करते हुए। और ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इस वाले रेंज में आप देखोगे तो काफ़ी दिन से जो है मार्केट रुका हुआ है इस वाले रेंज में, पिछले 2 सप्ताह से जो है इस वाले रेंज में मार्केट है। तो अब यहाँ पे जो है एक ही सीनरी हो सकता है कि जो ये वाला लेवल है इसको तोड़ के जो है मार्केट क्या करे, कुछ इस तरह का जो है कैंडल ऊपर बना दे या फिर यहीं पे जो है कुछ इस तरीके से नीचे कैंडल बनाए। ये सीनरी जो है बनता है जहाँ पे ये कैंडल बन रहा है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के सीनरी में जो है आप देखोगे कि ये 3 दिन में इस तरह का कैंडल जो है आपको बन सकता है। अब यही हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे जो है आपको एक अलग सीन जो है वो दिखाई देगा, जिसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। अब डेली चार्ट में देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो ये लेवल है इस लेवल के आसपास जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और अभी जो है क्या बनाया है, यहाँ पे एक बनाया है डोजी कल के दिन में। और बैंक निफ्टी में भी सेम सीनरी है, तो अब डोजी बनाया है तो अब अनडिसाइजन कैंडल हो गया है। यानी कि इसके बाद से जो कैंडल बनेगा वो किस तरीके से बनता है, क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है वो आपको कैंडल दिखाई दे सकता है ऐसा ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ से जो है ऐसा नीचे की तरफ कैंडल, या फिर जो है वो कैंडल कुछ इस तरीके से जो है वो रहेगा दोनों के बीच में। ये सिनेरियो जो है यहाँ पे बन सकता है डेली कैंडल में, किसमें, तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की हम लोग बात करते हैं, बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा
कुछ जो है आपको ऐसा डोरी तो नहीं बल्कि एक हैमर सा जो है वो आपको कैंडल दिखाई देगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो ये डोरी बना था उससे जो है ऊपर कैंडल क्लोज हुआ ये, और देखो वो ऊपर फॉल किया है लेकिन क्लोज ऊपर हुआ है। और यहाँ पे इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जितने सेलर हैं उससे ज़्यादा जो है इस कैंडल में बायर्स छुपे हुए हैं। ये वाला जो कैंडल है ये बायर्स का कैंडल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगला कैंडल क्या हो सकता है कि अगला कैंडल जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है बनता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पे। ये सिनेरियो जो है चल सकता है डेली कैंडल में, या अगर मार्केट यहाँ से फॉल भी करता है तो क्या कर सकता है कुछ इस लेवल के आसपास आके मार्केट ऐसे इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर इनसाइड कैंडल बनता है तो भी ये कन्फर्म करेगा कि हाँ इनसाइड कैंडल बन गया, फिर से मार्केट जो है एक अनडिसीजन मोड में आ जाएगा कि या तो ऊपर जाए या फिर जो है इसे नीचे जाए। ये सीनरियो जो है आपको यहाँ पे देखते हुए नज़र आएगा, तो इसको जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इस सीनरियो को। तो ये जो है अभी का सीनरियो जो है आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब जो हम लोग इसको देख लेते हैं कि छोटे चार्ट फ्रेम में कि क्या सीनरियो जो है अभी बन रहा है, तो उसको जो हम लोग एक बार देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीनरियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी में, तो निफ्टी में आप बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में देखोगे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि क्या कोई ट्रेंड लाइन जो हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले लो को लेते हैं और इस वाले लो को लेते हैं। देखोगे तो यहाँ पे जो है क्या है, एक जो है आपको कुछ ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम लोग ऊपर से बात करते हैं तो ऊपर से देखो ये वाला जो हाई लगाया था और ये वाला जो हाई लगाया था उस वाला हाई में जो है अभी सिनेरियो में जो है थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग लेके चलते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से कहाँ आ सकता है, तो अभी सिनेरियो में देखो एक बात तो जो है आप रख लो कि अगर मार्केट कल ओपन होगा तो आप इस सिनेरियो देख सकते हो कि मार्केट में जो है अभी जो है वो आपको अगर ओपन होता है मार्केट तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है कि एक जो है वो गैप अप देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि निफ्टी जो है अभी 200 के आसपास है। SGX निफ्टी जो है वो आपको देखोगे अभी मार्केट जो है ये चल रहा है, तो अब ये कितना पे रुकता है, अगर 200 से ऊपर रुकेगा तो मार्केट में जो है गैप अप हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी जो है गैप अप होगा। ये सीनरियो जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सीनरियो जो है वो बनते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर मार्केट मान लो कि इस बीच के इन बिटवीन जो है कहीं रहता है, इनके बीच में मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है या फिर इसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो वो कहाँ पर हो सकता है, तो उसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से इस वाले से फिबोनाची लगा देखते हैं, तो ये वाला जो लेवल एक आ रहा है ना इस वाले लेवल के आसपास जो है मार्केट आपको दिखाई दे सकता है कैसा करता हुआ। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं एक बार मार्केट जो है वो आपको कुछ जो है वो आपको इस लेवल के आसपास जो है वो यहाँ पे ये वाला लेवल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप जो है इसको हमेशा जो है आपको क्या रखना है कि ध्यान में रखना है, जहाँ पे मैं एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच देता हूँ, ये वाला जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा और मार्केट जो है वो नॉर्मल यहीं पर ओपन होता है, अगर मार्केट जो है नॉर्मल यहीं पर ओपन होता है तो क्या करेगा, यहाँ से जो है मार्केट में आप देखोगे तो इस वाले सिनेरियो से है मार्केट जो है क्या कर सकता है, यहाँ पे आने के बाद जो है वो अप जाने की कोशिश करेगा। यानी कि मार्केट में अगर यहाँ से मार्केट मान लो यहीं पर ओपन होता है तो ऐसा कर सकता है कि मार्केट जो है वो कुछ ऐसा फॉल करे, यहाँ पे जो है वो टाइम स्पेंड करे या थोड़ा सा जो है वो नीचे जाए और उसके बाद से मार्केट जो है वो कुछ ऊपर बढ़ना ऐसे शुरू कर सकता है। तो इस सिनेरियो को जो है आपको ऐसे हमेशा ध्यान में रखना है कि इस सिनेरियो से जो है मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दे। अब अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो अब डायरेक्ट जो है अगर यहाँ से जो है मार्केट मान लो गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होगा तो क्या कर सकता है, तो गैप अप होगा तो जो ये वाला जो है वो हाई लगाया था, जो अभी के लिए जो है वो हाई लगाया है जो कि ओपन हुआ था, तो इस वाले के लिए जो है मार्केट बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे निर्भर करेगा। अगर मार्केट मान लो कि जैसे ऐसे गैप अप भी हो जाता है तो दौड़ के नीचे आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट जो है यहीं से भी फॉल कर जाता है ऐसे तो वो ये वाला सिनेरियो रहेगा जहाँ पे यहाँ पे मार्केट जो है क्या कर सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है। तो आप यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है नीचे की डायरेक्शन में तो भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेड जो है वो एक अच्छा सा बना सकते हो, कहाँ पे यहाँ पे आप पी साइड का जो है फॉलिंग साइड का शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मतलब क्या करेंगे कि एक बाइंग पोजिशन जो है यहाँ पर बना सकते हैं, एक इसमें ये जो है आपको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। अगर यही सीनरी हम लोग निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में जो है सेम सीनरी है, निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको ये नज़र आएगा कि अभी का जो सीनरी चल रहा है उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि अभी की सिनेरियो में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है वो सेम ही सिनेरियो में चल रहा है। सबसे पहले जो ये हाई लगाया है इस वाले हाई के पास जो है अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप करके, तो यहाँ से जो है मार्केट जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले नीचे आने की कोशिश कर सकता है यहाँ तक का, क्योंकि 50 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ तक का, और इस लेवल के पास अगर मार्केट सर्वाइव कर जाता है
तो हम लोग जो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं ऊपर जाने की तरफ में। अगर मार्केट यहाँ पे भी सर्वाइव कर जाता है तो हम लोग यहीं से बाइंग पोजीशन बना लेंगे अप जाने के लिए। अगर मार्केट जो है ऊपर यहाँ पे रुक के आने की कोशिश करता है तो आप छोटे स्कैल्पिंग के लिए 50 पॉइंट के लिए इस लेवल तक के आसपास का जो है वो आप पहला टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा टारगेट जो है आपको कहाँ पर रखना है तो आपको इस लेवल के आसपास जो है आप रख सकते हो मार्केट फॉल करेगा तो। और हाईली चांसेस रहेगा मार्केट अगर यहाँ से फॉल करता है तो हो सकता है इस लेवल तक आए और यहाँ से जो है मार्केट अप जाने की कोशिश करने लगे ऐसे, या फिर जो है जिस तरीके से ये लो लगाया था इस लो तक आता है तो भी जो हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा और उस दिन में जो है आप एक दो बार टारगेट भी जो है वो रख सकते हो। अब ये सीनरी तो रहेगा, चलो ठीक है, एक बार हम लोग फिबोनाची बेसिस जो है इसको मेजर कर लेते हैं कि क्या सच में जो है आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, क्या क्या लेवल है। फिबोनाची जो है वो ड्रॉ करके देख लेना कि जो ये सीनरी है जहाँ पर जो है एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आ सकता है तो वो जो है आपको रहने वाला है यही वाला सीनरी, ये वाला जो है जहाँ पे आपको जो है मैंने पहले बताया कि ये वाला जो है एक अच्छा सा जो है वो जोन रहने वाला है अगर मार्केट इस जोन के आसपास आता है तो। तो आपको जो है जो सिनेरियो बनता है, देखो अगर गैप डाउन हो गया तो इस लेवल के आसपास भी गैप डाउन होगा, अगर गैप अप होता है तो इस लेवल के आसपास, जैसे मार्केट यहाँ क्लोज है तो जो ये वाला हाई लगाया था, जैसे अभी हमने देखा कि जो ये वाला हाई था उस वाले हाई के आसपास जो है मार्केट क्या कर सकता है, एक गैप अप दे सकता है, यहाँ तक का जो है वो गैप अप दे सकता है, इसी ऊपर भी गैप अप देता है, जहाँ पर भी गैप अप देगा कोशिश करने के लिए मार्केट वहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग क्या करेंगे तब जो है मार्केट में एंट्री लेंगे, वो भी कब, जब एक बुलिश कैंडल बनाया और उसका जब ब्रेकआउट देगा तब जो हम लोग एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ से फॉल करता है तो सबसे पहले देखना है कि एक जो है वो रेड कैंडल बनाए या बेरिश कैंडल बनाए और उसके बाद से जो है यहाँ से उसका जब ब्रेकआउट होगा, जब ब्रेक डाउन होगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। और पहला जो है टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो छोटा टच के लिए, और दूसरा जो है आपको यहाँ पर रख सकते हो तो निफ्टी में। तो ये सिनेरियो जो है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में जो है देखने को मिलेगा। और अगर आप पूछोगे मार्केट का मूड कैसा है तो अभी के समय में मार्केट का मूड जो है वो यही है कि मार्केट क्या करता है, सबसे पहले आप अभी जो है पिछले कुछ दिनों का चार्ट उठा के देख लो, आप कहीं भी जो है ये चार्ट देखो, इस चार्ट में जो है आप सही सबको हर जगह देख के देखो क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट फॉल किया अप गया, मार्केट फॉल किया पुल बैक किया, मार्केट फॉल किया पुल बैक किया, मार्केट फॉल किया पुल बैक लिया, मार्केट यहाँ पे देखो फॉल नहीं किया है सस्टेन किया और उसके बाद से जो है अप गया, मार्केट यहाँ पे क्या किया पहले अप गया फिर जो है डाउन आया, पहले मार्केट क्या किया डाउन गया, इसमें जो है वो पहले ये वाला अप बनाया था थोड़ा सा फिर डाउन आया, उसके बाद क्या मार्केट अप बनाया फिर डाउन आया, मार्केट जो है क्या किया यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले फॉल किया फिर से जो है पुल बैक कर लिया, और इसके बाद से यहाँ पे भी देखो तो क्या किया था मार्केट फॉल किया था पुल बैक लिया था, कल का मार्केट भी देखो तो क्या किया था फॉल किया था और उसके बाद पुल बैक कर लिया था। तो ये सिनेरियो जो है अभी मार्केट में चल रहा है, तो आपको जो है देखो ऐसा नहीं कि आपको पहले से माइंड बना के चलना है कि हाँ मुझे यही करना है, मार्केट में जैसा हो रहा है होने दो, अगर मार्केट पहले फॉल करता है तो आप फॉलिंग का ट्रेड ले लो शॉर्ट कर लो, और मार्केट अगर पुल बैक लेता है तो वहाँ से जो है पुल बैक कर लो, यानी कि वहाँ से जो है आप एक अच्छा सा ट्रेड अप डायरेक्शन में बना लो, ट्रेंडिंग डायरेक्शन में बना लो। तो अब से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।